जिस तरीके से इसे वापस लिया गया है, ये बहुत ही एक खूबसूरत उदाहरण है कि लोकतंत्र को इस तरह चलना चाहिए। प्रदीप भंडारी बाहर आ गए। प्रदीप भंडारी आइए, बाहर आइए। प्रदीप भंडारी से बात कराइए मुझे। आपके फोन को छीना गया था। बिहार की राजनीति में कभी आप कूदेंगे कि नहीं? क्योंकि अंजना जी, ये आपका सवाल जो है ये बहुत खुराफाती सवाल है। सिर्फ टीआरपी के लिए बात को बढ़ाना मुझे लगता है उचित नहीं है। हम मीडिया की बात बार बार करते हैं क्योंकि जो काम मेनस्ट्रीम मीडिया को करना चाहिए वह काम के जगह सिर्फ फेक प्रोपेगेंडा या मनोरंजन न्यूज ही दिखा रहा है। अब तो टीआरपी का फ्रॉड भी मुंबई पुलिस ने सामने कर ही दिया है। टीआरपी चैनलों को ज्यादा क्यों चाहिए? एडवर्टीजमेंट के लिए। अगर एडवर्टीजमेंट की बात चली है तो बातों का सिलसिला बाबा रामदेव से ही शुरू करते हैं, जिनके पतंजलि ब्रांड की एड तकरीबन हर न्यूज चैनल पर चलती ही दिखाई देती है। खैर, हम उनकी एडवर्टाइजमेंट का जिक्र नहीं करने वाले बल्कि रामदेव के गिरने पर चर्चा करने वाले हैं। आप पहले रामदेव का ये वीडियो देखिए जिसमें वे साइकिल से गिर जाते हैं लाइव शो के दौरान। है विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव जो साइकलिंग करते हुए एंट्री ले रहे हैं। देखिए वो भी बारिश में करते हुए एंट्री ले रहे हैं। देखिए वो भी बारिश में बारिश में जबरदस्त साइकलिंग करते हुए स्वामी रामदेव नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम। एक बार तो फिसल गई इसलिए अभी सावधानी से चलाऊंगा। अब आपको वीडियो दिखाते हैं उनके गिरने की, वह भी हाथी से। बाबा रामदेव को हाथी पर योगा करने की क्या जरूरत थी? अगर ऊंचाई पर योगा करनी ही थी तो किसी ऊंची बिल्डिंग पर कर लेते, कम से कम बिल्डिंग हिलती तो नहीं। अब बात करते हैं तनिष्क के एडवर्टीजमेंट की जिसने कईयों को हिला डाला है। तनिष्क ने अपने एडवर्टीजमेंट लोगों के आक्रोश के कारण वापस ले लिया था और कई मीडिया कर्मी जैसे कि सुधीर जी इसको लोकतंत्र के लिए अच्छा कदम बता रहे हैं। इस देश में बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं का सम्मान करना और उन्हें ठेस न पहुंचाना भी सच्ची धर्मनिरपेक्षता मानी जाएगी, क्योंकि सच्ची धर्मनिरपेक्षता तभी दिखाई देती है जब आप लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, लोगों की भावनाओं का ख्याल करते हैं। और ये जो विज्ञापन है जिस तरीके से इसे वापस लिया गया है ये बहुत ही एक खूबसूरत उदाहरण है कि लोकतंत्र को इस तरह चलना चाहिए। आपने कोई काम किया, आपने कोई विज्ञापन जारी किया, फिल्म बनाई, कुछ लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंच गई, उन्होंने इसका विरोध किया और आपने इसे वापस ले लिया। लोकतंत्र ऐसे चलता है, ये सच्ची धर्मनिरपेक्षता है। लेकिन जो लोग विज्ञापन वापस लिए जाने के फैसले का विरोध कर रहे हैं उनसे आज हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर इस विज्ञापन में एक मुस्लिम महिला को एक हिंदू परिवार की बहू के रूप में दिखाया गया होता तो भी क्या ये सारे लोग इसे स्वीकार कर पाते? तब भी इस विज्ञापन की क्या इस तरह ही तारीफ करते? इस एडवर्टीजमेंट में भारत में मौजूद सभी धर्मों की एकता को दर्शाया गया था। इस पर कुछ अधिक जानकारी एक उदाहरण के साथ विनोद दुआ ने अपने शो के जरिए दी। लिहाजा अब क्या हो रहा है कि वो विज्ञापन हटाना पड़ा। मुझे समझ में नहीं आती कि ये हमारी इतनी असहिष्णुता, इनटॉलरेंस पिछले कुछ सालों में बढ़ी है, पहले नहीं थी। और वो नेशनल इंटीग्रेशन का गोल कहाँ गया? और इंटरफेथ और इंटरकास्ट अगर रिश्तों पर इतना ही मतलब गुस्सा भड़कता है कुछ लोगों का, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब कोई खून किसी को चढ़ाया जाता है या प्लाज्मा चढ़ाया जाता है जैसे आज के कोरोना के दौरान हो रहा है, क्या वो पता करते हैं कि खून किसने दिया था? खून मतलब देने वाले की जाति क्या थी या धर्म क्या था? सीधा साधा तरीका होता है कि अगर आपको खून चाहिए तो आपको डोनर चाहिए, देने वाले डोनर का ब्लड ग्रुप जो भी हो उससे वो ब्लड ले लिया जाता है, खून ले लिया जाता है, प्लाज्मा ले लिया जाता है, उसे बैंक में ब्लड बैंक में रखवा दिया जाता है। उसका जो ब्लड ग्रुप होता है उसको ब्लड बैंक से निकाल कर वो दे दिया जाता है। अब वो किसने दिया था खून, उसका धर्म क्या था, उसकी जाति क्या थी, अगर वो भी लिखना शुरू कर दे ब्लड ग्रुप के साथ तो क्या ये लोग खून लेना बंद कर देंगे? हमारे देश में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, हम उसी मानसिकता को बरकरार रखना है। पर कुछ नेताओं और न्यूज चैनलों ने देश में नफरत फैलाने का काम शुरू किया हुआ है जो कि बहुत गलत है। खैर, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं रिपब्लिक टीवी के। हाल ही में खबर आई कि रिपब्लिक के एम्प्लॉइज पर मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज की है जिसकी जानकारी खुद अर्नब ही दे रहे हैं। मुझे खबर मिली है
कि भारत के इतिहास में पहली बार पूरे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के हर एम्प्लॉय के खिलाफ, हर एडिटोरियल एम्प्लॉय के खिलाफ FIR कर दी है मुंबई पुलिस ने। इसका मतलब यह है कि हमारे 1000 देयर आर 1000 एम्प्लॉयज, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के 1000 एम्प्लॉयज के खिलाफ मुंबई पुलिस ने FIR कर दी है। और अभी अभी मुझे खबर मिली है कि जितने टॉप एडिटोरियल स्टाफ है, आई वांट टू से दिस इन इंग्लिश, ऑल द एंटायर एडिटोरियल स्टाफ ऑफ रिपब्लिक टीवी, आई रिपीट द लाइंस, वी यूज दीज लाइंस, देयर इज एन FIR अगेंस्ट ऑल रिपब्लिक टीवी एडिटोरियल स्टाफ। इसके अलावा बुलंद आवाज में मुंबई पुलिस को खरखराने वाले और अजीबो गरीब तरीकों से रिपोर्टिंग करने वाले रिपब्लिक के रिपोर्टर प्रदीप भंडारी का ये वीडियो देखिए। उनकी हालत जब वह पुलिस स्टेशन से बाहर आए और इस न्यूज को कवरेज करने वाले भी रिपब्लिक के ही रिपोर्टर थे। प्रदीप भंडारी बाहर आ गए, प्रदीप भंडारी आइए, बाहर आइए, प्रदीप भंडारी से बात कराइए मुझे। आपके फोन को छीना गया था। प्रदीप भंडारी आइए बाहर, मैं बताना चाहता हूँ। प्रदीप भंडारी मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। मुझे लग रहा था प्रदीप भंडारी रिहा हो गया दोस्तों, थैंक यू। प्रदीप भंडारी कैन यू हियर मी, प्रदीप मेरी आवाज आ रही है आपको? प्रदीप भंडारी मैं अर्णव बोल रहा हूँ स्टूडियो से, मेरी आवाज आ रही है? प्रदीप मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, आवाज आ रही है क्या तुम्हें? प्रदीप तुम्हें वहाँ पे घेरा गया, प्रदीप वहाँ पे सारे 20-50 पुलिस कर्मियों ने आपको घेरा। हाल ही में अमित शाह भी मीडिया में दिखाई दे रहे हैं इंटरव्यू देते हुए। इंटरव्यू में उनसे मीडिया ट्रायल को लेकर कुछ सवाल एंकर द्वारा पूछे गए, जिस पर अमित शाह क्या सोचते हैं आप खुद ही सुनिए उनका जवाब। मुझे लगता है एक मीडिया का नैरेटिव श्रील हो गया है, घंटों तक यही कहानी चलती रही है। जरूर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, मगर जिस तरीके से उसको चलाया गया है, मीडिया ट्रायल भी हो गया है उसका, नैरेटिव को कैसे देखते हैं और आप क्या कहना चाहेंगे कि हम लोगों को क्या इसमें करना चाहिए? मीडिया ट्रायल नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा बहुत स्पष्ट मानना है। हाँ, कहीं डिपापूर्ति होती हो, घोटाही होती है, तो जरूर कान पकड़ना चाहिए, अधिकार है मीडिया का, फर्ज भी है। परंतु सिर्फ TRP के लिए बात को बढ़ाना मुझे लगता है उचित नहीं है। और किसी भी घटना में अगर किसी भी प्रकार की लिपापोती होती तो इसको स्पेसिफिक बताना वो मीडिया का धर्म होना चाहिए। अभी कार में बैठे, कार से निकले, 5 मिनट में पहुंचेंगे, दाया पैर बाहर रखा, अरे भाई, इस प्रकार से अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि न्याय के काम में भी बाधा आती है। थोड़ी बात बिहार चुनाव की भी कर लेते हैं। अब तो प्रधानमंत्री मोदी की भी एंट्री हो चुकी है बिहार चुनावों में और बड़े वादे भी किए जा रहे हैं। तेजस्वी ने 10 लाख नौकरियों का वादा किया तो BJP की तरफ से 19 लाख नौकरियां और फ्री कोरोना वैक्सीन देने का वादा किया गया। ये कितने पूरे होते हैं वादे, ये तो समय रहते ही इनका जवाब मिलेगा। आज तक ने बिहार इलेक्शन पर ओपिनियन पोल निकाला, जिसके बाद अंजना ने BJP नेता रविशंकर प्रसाद से बात की और उनसे कुछ तीखे सवाल पूछती नजर आई अंजना, जो कि शायद वह अक्सर ने पहले तो पूछती नहीं ही दिखती थी, जिसके बाद रविशंकर प्रसाद भी परेशान दिखाई दिए। ये सब पर टिक मार्क जनता को लगाना है। सही कहा, मेरा एक सवाल है सर, उसका जवाब दीजिए ना। ये बताइए कि बिहार के चुनाव में आप कूदिएगा कि नहीं कभी? बिहार की राजनीति में, जी जी, बिहार की राजनीति में कभी आप कूदेंगे कि नहीं? क्योंकि जितने BJP के यहाँ बड़े नेता होते हैं उन सबको आप लोग सेंटर में फिट कर लेते हैं और इसकी वजह से साल दर साल, हर 5 साल नीतीश बाबू के ही चेहरे पर BJP को बढ़ना पड़ेगा आगे। अंजना जी, ये आपका सवाल जो है ये बहुत खुराफाती सवाल है। देखिए, मैं आप गंभीरता से आपका जवाब देता हूँ। पहले आपने ये कहां से मान लिया कि हम बिहार से कटे हुए हैं? हम बिहार के बेटे हैं, इसी पटना की मिट्टी में पैदा हुए हैं, आगे बढ़े हैं, मेहनत किया, JP मूवमेंट, विद्यार्थी परिषद, 20 साल के सांसद, आज लोकसभा के सांसद, अटल जी की सरकार में मंत्री, आज फिर मंत्री। तो आप कैसे कह दिया कि हम बिहार से कटे हुए? इसी मिट्टी ने मुझे वहां तक पहुंचाया है। अब मैं यहाँ के लोगों का नमन करता हूँ। आरजेडी की तरफ से एक टिप्पणी आ रही है कि BJP इसी बहाने आत्मनिर्भर हो जाए बिहार में। गोदी मीडिया कुछ भी दिखाए, हम आप तक सही जानकारी और जनता के मुद्दों पर न्यूज दिखाते रहेंगे और मीडिया की आलोचना भी करते रहेंगे, ताकि वह सरकार से जनता के मुद्दों पर सवाल करना शुरू करे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे TV। If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.